नमस्कार दोस्तों, मानस गुप्ता, आई एम बैक ऑन द चैनल वर्सेटाइल मेंटोर। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल वर्सेटाइल मेंटोर। भाइयों, बच्चों के बहुत सारों के कमेंट आ रहे थे कि भैया मैथ्स में क्या हो रहा है कि जैसे आज परसेंटेज पढ़ लिया हमने और जैसे ही परसेंटेज खत्म हुआ उसके बाद दूसरा चैप्टर पढ़ रहे तो हम पिछला वाला चैप्टर भूलते जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये तो ऑब्वियस है ना, अगर आप आज कुछ करते हो और 10 दिन बाद उस चीज को छोड़ दोगे तो वो आपसे नहीं बनेगी। इस चीज को सही करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं जो कि आपको फॉलो करना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक है जिससे कि आपके सारे चैप्टर बार बार रिवाइज होते रहेंगे। मान लीजिए दोस्तों, आपने चार चैप्टर आज कंप्लीट किया और पांचवा चैप्टर आप कर रहे हैं, तो वो चार चैप्टर आपके दिमाग से निकलते जाएंगे अगर आप उनकी बार बार रिवीजन और प्रैक्टिस नहीं करेंगे। लोग बोलते हैं कि रिवीजन करने का सही तरीका मॉक टेस्ट होता है, लेकिन अभी हम उस स्थिति में नहीं है कि हम मॉक टेस्ट दे सके। तो अगर आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं है और आप बार बार चैप्टर्स को रिवाइज करना चाहते हैं तो दोस्तों क्या करना है, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए आपका परसेंटेज प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट ये कंप्लीट हो चुका है और अभी SICI आप पढ़ रहे हैं, तो SICI तो आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है दोस्तों, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट इन तीन चैप्टर के आपको किसी भी हालत में डेली 5-5 क्वेश्चन लगाना है। जैसे आज आपने परसेंटेज के 5 लगा लिए, प्रॉफिट लॉस के 5 लगा लिए, डिस्काउंट के 5 लगा लिए, 1-5, तो कल जब आप लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, 5-10 लगाएंगे, परसों क्या लगाएंगे, 10-17। धीरे धीरे कर हमको 10-10 क्वेश्चन बढ़ाना है। इससे क्या होगा दोस्तों, ये जो आपके पिछले चैप्टर है ये चैप्टर आपके रिवाइज होते रहेंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात? फिर मान लो आपका SICI भी कंप्लीट हो गया और आप एलजेब्रा पढ़ने लग गए, तो अब आपके पास 5 चैप्टर होगा जिनके आपको 5-5 सवाल डेली लगाना है। प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, डिस्काउंट, SICI, ये बेस्ट ट्रिक है दोस्तों रिवीजन करने की। इससे बेस्ट कोई ट्रिक नहीं है। इस तरीके से आपका जिस भी किताब को आप फॉलो कर रहे हो उस किताब को आप कम से कम 3 बार कर लोगे, और SSC यही चाहता है कि एक किताब आपको 10 बार करे, ना कि 10 किताब एक बार। तो दोस्तों, ये बहुत बच्चों कमेंट आ रहे थे, जो कॉमन डाउट्स आ रहे हैं उनको मैं ऐसे ही वीडियो के थ्रू सॉल्व कर दूंगा। बाकी चैनल से जुड़े रहे, हम ओरिजिनल कंटेंट पर बिलीव करते हैं और आपका साथ देने के लिए हमेशा तत्पर है। थैंक यू सो मच दोस्तों।